आज की हमारी ये वीडियो कनीज़े इमामे हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी शीरी के हालाते ज़िंदगी पर मबनी है। जब जनाबे शहरबानो असीर होकर ईरान से मदीना पहुंची तो आप सलामुल्लाह अलैहा के साथ 100 कनीज़े भी थीं। जनाबे शहरबानो ने पहली ही रात की सुबह को 50 कनीज़ें आज़ाद कर दीं और जब इमाम सजाद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ तो जनाबे शहरबानो ने 40 कनीज़ें और आज़ाद कर दीं। अब आपके पास 10 कनीज़ें थीं। एक रोज़ जनाबे शहरबानो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ फरमा थीं कि शीरी भी खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आ गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत शहरबानो से शीरी की तारीफ़ फरमाई, जिस पर जनाबे शहरबानो ने शीरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिब्बा कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शीरी को आज़ाद कर दिया। चंद दिनों के बाद शीरी का जुरैर अस्कलानी से निकाह हुआ। जब शीरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रुखसत होने लगी तो रोकर अर्ज़ की, ऐ मेरे मौला, क्या मुझे कभी आपके कदमों की ज़ियारत नसीब होगी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक रोज़ मैं अपने अहलो अयाल के साथ तेरे घर मेहमान रहूँगा और ये अहद मेरे सर के साथ है। ये कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और शीरी को रात से आगाह न किया। शीरी अपने शौहर के साथ इसके घर चली गई और इस दिन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वादा का इंतज़ार करने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और साथियों के साथ 2 मुहर्रम को करबला तशरीफ़ लाए। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर पानी बंद हुआ। 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम बावफा साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बजाते खुद मैदान जंग तशरीफ़ लाए और शहादत से सरफराज हुए। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद फौज अश्किया ने सरों को नेज़ों पर बुलंद किया और अहले हरम को असीर बनाकर जानिब शाम चले। यहाँ तक के फौज अश्किया जबले मामूरा के करीब पहुँचे। इस पहाड़ पर शीरी का घर था। लश्कर यजीद इसी पहाड़ के नीचे क़याम किया। रवायात में मिलता है कि इसी रोज़ शीरी ने ख्वाब देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हस्बे वादा अपने अहलो अयाल के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाए। खुशी से नींद से बेदार हो गई और अपने शौहर को ख्वाब से आगाह किया और इसे कहा कि जाओ और देखो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। ज़ुरैर फौरन पहाड़ से नीचे उतरा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखने लगा। अभी कुछ खबर न मिली थी कि शीरी बेताब होकर खुद पहाड़ से नीचे उतरी और मुंतज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो गई और देखा कि एक तरफ से बड़ा लश्कर मौजूद है और कुछ सर नेज़ों पर बुलंद हैं और चंद बीबियां अपने सरों को झुकाए गिरिया उजारी में मसरूफ़ हैं और एक बीमार जिसको रस्सियां पहनाई हुई हैं नहायत नहीफ हालत में है। ये देखकर शीरी बहुत परेशान हो गई और एक बीबी के पास आकर दरियाफ्त करने लगी कि आप कौन हैं और इस मुसीबत में क्यों कर मुबतला हैं? तो इस बीबी ने फरमाया कि हम मदीनतुर रसूल मोहल्ले बनी हाशिम में रहते थे।
جب شیری نے مدینہ رسول اور محلہ بنی ہاشم کا سنا تو شیری بے قرار ہو کر پوچھنے لگی، کیا آپ میرے آقا امام حسین علیہ السلام شہزادوں اور شہزادی کونین، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو بھی جانتی ہیں، اور کیا ان کے حال سے کچھ خبر رکھتی ہیں؟ یہ سنتے ہی اس مخدومہ نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور سر اٹھا کر شیریں کو دیکھا اور کہنے لگی کہ شیریں، اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تو نے بھی ہمیں نہ پہچانا۔ اے شیریں، میں زینب بنت علی ہوں، یہ ام کلثوم اور جو سر نیزوں پر بلند ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا اور اس کے ساتھیوں کے سر ہیں۔ اے شیریں، کربلا میں ہم پر بہت ظلم کیے گئے، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا اور ہمیں قیدی کر کے یہاں لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی شیریں نے اپنے سر سے چادر کو پھینک دیا اور اپنے بالوں کو بکھیر کر ماتم کرنے لگی اور اس نیزے کے قریب آئی جس کی نوک پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ شیریں نے اس قدر گریہ و زاری کی کہ غش کھا گئیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ شیریں کی اسی حالت میں اسی مقام پر روح پرواز کر گئی۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔